नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त पांडे, मेरे चैनल बीसीडी डमरुआ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूं। खास तौर से सबसे पहले मैं अपनी मीडिया और अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हैं तो हम जैसे कलाकार हैं। इस कोरोना काल में हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, बाहर निकलना है तो क्या सावधानी रखनी है, घर में आना है तो किस सावधानी के साथ आना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे और डॉक्टरों द्वारा बताया जा चुका है। आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूं, आप लोगों को कुछ अलग, बिल्कुल ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज मैं लेके आया हूं। और दोस्तों, ये कोरोना की वजह से जो दिनचर्या है वो बिल्कुल बदल गया है। तो आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो लोग ज्यादा से ज्यादा घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, दिनचर्या जिनकी एकदम बदल गई है। तो क्या है कि आप जो ये घर में रह रहे हैं तो इससे आप जो खाना खा रहे हैं, क्योंकि पहले आप घर से बाहर निकलते थे तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, अब वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आप जो इस समय खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब आपके एक मोटापा का कारण भी बन रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप वो सब चीजें खाएं और पिएं जो आपको डॉक्टर ने बताया है या YouTube से लेके आपने जहां से भी देखा है, सीखा है, वो सब खाइए। उसके साथ अब मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, चूंकि अभी आपका फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है, तो जो लोग घर में रह रहे हैं तो वो लोग कुछ चीजों पे ध्यान दें, जैसे चिकनी चीजें कम खाएं, खाना अगर चार रोटी खा रहे हैं तो दो रोटी खाएं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने खाने पे जो ध्यान दे रहे हैं आप, वो फैटी चीज ज्यादा ना खाएं। और घर में आप हैं तो ज्यादा सोएं नहीं, क्योंकि आप खाना खा लेंगे, कोई काम नहीं होगा, नींद आएगी, सोएंगे, फैट बढ़ेगा, मोटापा होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप ज्यादा सोएं नहीं, और जब घर में हैं आप, 75% आपका बाहर निकलना कम हो गया है, घर में हैं आप, तो आप फोन से बात कीजिए, लोगों से अपने फोन से बात कीजिए आप। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फोन लेके बैठे दो दो घंटे बैठे बैठे बात करें। आप घर में ही फोन लीजिए, बात करिए और चलते रहिए, चलते हुए कदमों से बात कीजिए, चलते रहिए। आप सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप सवेरे उठें, 4 बजे 4:30 बजे उठें और 2 घंटे का समय रखें टहलने का। अब वो टहलने का समय ये नहीं है कि आपको घर से बाहर निकल के जाना है, नहीं, आप अपने घर में ही, अपने बिल्कुल घर के कोने से लेके और उस कोने तक आपको टहलना है। अगर घर में सीढ़ी है, जनरली सीढ़ी होती है, सीढ़ी अगर है तो सीढ़ी से छत पे जाएं, छत पे टहले, फिर सीढ़ी से उतरें, मतलब सवेरे जो है उठे आप, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, टहलें, घूमें घर के ही अंदर। उसके बाद से आप घर में ही फोन से अगर बात कर रहे हैं तो घर में भी फोन से चलते फिरते बात करें, कोशिश करें कि ज्यादा लेटे नहीं, ज्यादा बैठे नहीं, चले फिरें घर के ही अंदर, चलते फिरते रहें, जिससे कि आपका वजन ना बढ़े। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपको कोई नहीं अभी बता रहा होगा, क्योंकि इस समय सब लोग कोरोना के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने फिजिकल के ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो घर के अंदर ही रहें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सवेरे उठ के 1.5 घंटा जो है परिवार के साथ में घूमें फिरें, अंदर ही कमरे में चलें, कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, बाहर पोर्च में, बरामदे में, आंगन में, फिर आप छत पे जाएं, छत पे टहले, छत से आए, एक कम से कम सवेरे 1.5 घंटे का समय जो है इस तरीके से बिताएं आप। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग निगेटिव चीजों को ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचें और अपने विल पावर को स्ट्रांग करें, क्योंकि अगर आपके अंदर निगेटिविटी आती है, विल पावर कमजोर अपना करते हैं किसी बात को लेके, तो जब आप कमजोर होते हैं तो बीमारियां आपको पकड़ती हैं। इसीलिए कैसी भी परिस्थितियां हो, अपने विल पावर को मजबूत रखिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आज ये समय आया है कोरोना का, कल ये खत्म हो जाएगा और हम फिर से उसी जिंदगी को जियेंगे जो पहले जी रहे थे। तो आज भी दोस्तों मैंने आपको जो चीजें बताई उस पर ध्यान रखिए। मेन मेरा उद्देश्य यही था आज आने का कि आप लोग घर में ही टहलिए, घूमिए, सोइए नहीं, मोबाइल चला रहे तो चलते चलते मोबाइल चलाइए,
अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, इतने से ही आप समझ चुके होंगे और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।